तो ये जगह है संगीत की म्यूजिक प्लेस, परदेश फिल्म भी यहाँ शूट हुई थी, वो अकबर का बेडरूम है फर्स्ट फ्लोर। तो सुबह का ये नज़ारा एक हसीन सा अच्छा लग रहा है ना, आप लोग देख रहे होंगे। ये बिल्कुल मैंने पास में ही रूम ले रखा है और ये सूरज निकलता हुआ अच्छा लग रहा है, बढ़िया सीन लग रहा है यहाँ पे। सामने का नज़ारा वाह 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 वाह, क्या ही नज़ारा है यार। और ये हो रही है गाड़ी साफ, देख रहे तीनों लोग लगे हुए हैं गाड़ी साफ करने में। आदर्श अच्छे से करना, पैसे काट लिए जाएंगे तुम्हारे। हाँ तो फाइनल फ्रेंड, वी आर रेडी टू गो, है ना। हमारी गाड़ी भी साफ हो चुकी है और सामान वगैरह रख चुका है और आ चुके हैं लोग। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, तो बस अब चलते हैं, फिर बैठते हैं गाड़ी में और बस फतेहपुर सीकरी भी फतेह करते हैं। फतेह का मतलब घूमेंगे ना, अपन को जो करना है काम वो तो करना ही है, उसमें फतेह करेंगे। ये देखिए बहुत सारी तितलियाँ हैं, बहुत सारी। पैदल रास्ते पे हूँ मैं अभी, इतनी सारी तितलियाँ हैं, चकमक 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 चकमक। विश्राम ग्रह के लिए रास्ता इधर से जाते हैं डाक बंगले के लिए और यहाँ से जाते हैं दीवाने आम के लिए। तो हम जा रहे हैं दीवाने आम। हमारी विरासत हमारा गांव इधर लिखा है, आवर हेरिटेज इज अवर। तो फाइनली हम ऊपर आ चुके हैं फ्रेंड्स और ये आप लोग देख रहे हैं यहाँ का व्यू। तो कितने मस्त लग रहे ना, फूल चारों तरफ लगे हुए हैं यहाँ पे। और ये शायद आई थिंक यहाँ का नक्शा वगैरह होगा। तो फाइनली अभी हम आए हैं यहाँ पे म्यूज़ियम है हमारे पीछे, वहाँ पे जो कि ये कैमरा अलाउ नहीं होगा, तो कोई बात नहीं, हम लोग अपना फ़ोन का कैमरा यूज़ करेंगे, बाकी इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। लगता था दरबार, ये दिख रहा है ना, यहाँ पे अकबर बैठते थे और ये पूरा ग्राउंड पड़ा होता था यहाँ पे। जो बनाया अकबर ने वो सिर्फ अपने बेटे की खुशी में बनाया। यहाँ फर्स्ट मुगल आए थे बाबर, अकबर के ग्रैंडफादर।
बाबर ने पहला युद्ध किया था इब्राहिम लोदी से पानीपत में 1526 में, और दूसरा युद्ध किया था यहाँ सीकरी गांव से 12 किलोमीटर दूरी एक जगह है जिस जगह का नाम खांडवा। जी बिल्कुल। तो बाबर और राणा सांगा में युद्ध हुआ था 1527 में। वो यहाँ से कितनी दूर? वो यहाँ से लगभग करीब 10-12 किलोमीटर दूर है। तो बाबर और राणा सांगा में युद्ध हुआ 1527 में, बाबर ने उस युद्ध को विजय किया, जीता। जीतने के बाद इस जगह का नाम चेंज किया फतेहपुर सीकरी। अच्छा, बाहर जो आप देख कर आए ना, हाँ, वो दीवाने आम है। ये जो आप देख रहे हैं ना, हाँ, दीवाने खास। यहाँ अकबर की खास मीटिंग हुआ करती थी, स्पेशल मीटिंग, स्पेशल। ये दरवाजा देख रहे हैं आप, हाँ? यहाँ से प्रवेश होते थे, बीच में जाकर बैठते थे राजा, यहाँ बैठते थे और अकबर के नौ रत्न लोग साइडों में बैठते थे। अच्छा, नीचे मीटिंग नहीं होती थी? नीचे यहाँ चार गनर होते थे। गनर आंखों से देखते थे, कानों से बहरे, मुंह से गूंगे, क्योंकि वो मीटिंग की बात सुन ना सके। वेरी गुड। अकबर ने एक धर्म भी चलाया 1582 में, बिना नहीं। ये जो आप देख रहे हैं लोटस फ्लावर हिंदू आर्किटेक्चर, लाइक जैन टेम्पल भीलवाड़ा राजस्थान, लाइन पर्शियन चर्च, गेट क्रिश्चियन, मेहराब मुस्लिम, मुस्लिम लोटस फ्लावर हिंदू हिंदू। ये जो मकुट बनाया ना, बुद्धिस्ट सुराई उमर खयाम, सभी धर्मों से रिलेटेड पूरी डिजाइन इसमें बनी। अच्छा, इसका वो कुछ जहांगीर की खुशी में, क्योंकि अकबर की तीन बीवी थी ना, तीनों बीवियों की खुशी, एक बेटा था हिंदू रानी चौधाबाई से, तो उसकी खुशी में ये सब बनाया। 1570 में स्टार्ट किया, 1582 में कंप्लीट हो गया। विद इन 12 ईयर्स अकबर यहाँ 4 साल रहे थे। प्रॉब्लम था पानी का, तो उनकी ड्रिंकिंग वाटर अबेंडेंट से थी, इसलिए जगह को छोड़ दिया, आगरा फोर्ट बनाया। चोली भी बोलते हैं, आंख में चोली, खजाना महल। ये छत्री है ना, अकबर का एक खास मित्र था जिसका नाम था पंडित पुरुषोत्तम दास, जो कि यहाँ बैठकर वो हवन करते पूजा पूजा करते थे। लेकिन अभी हॉस्पिटल नहीं है, उसको वॉशरूम बना दिया। ये जो आप देख रहे हैं ना, पंच महल, हवा महल, अकबर की तीनों रानियां बैठकर हवा खाती थी। हिंदू रानी कड़वा चौथा व्रत रखती थी, मुस्लिम रानी के टाइम पर चांद देखती थी, क्रिश्चियन रानी चांदनी रात को पूजा करती थी। इसको पंच महल भी बोलते हैं, इसको हवा महल भी बोलते हैं। इट इज लुक लाइक ए पगोड़ा इन चाइनीज स्टाइल। तो ये जगह है संगीत की म्यूजिक प्लेस, परजेज फिल्म भी यहाँ शूट हुई थी। वो अकबर का बेडरूम है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फॉर द मिनिस्टर्स एंड द लास्ट 48 सोल्जर्स की गोली गार्ड। दीवार पे सोने का पानी का गोल्ड पॉलिश, यहाँ थे मेरे क्रिस्टल ग्लास, इसमें हीरे फिटिंग थे डायमंड। रसोई है प्योर वेजिटेरियन जोधा भाई की रसोई। अच्छा, ये कृष्ण रानी का महल जो है, इस महल का नाम है सुनहरा महल। सोने की पेंटिंग थी इसके अंदर, ये देखिए, ये दिख रही है आपको, हाँ। और ये हाथी घोड़े छपे हुए ना, हाँ बिल्कुल, हाँ। घोड़ा तो यहाँ दिख रहा है, फिनिश हो गया, ये घोड़ा दिख रहा है, ये हाथी है ना, हाँ दिख रहा, दिख रहा। तो ये सब सोने के थे सब। पर इसके साथ से हमारा है फास्ट, तो हम नहीं खा पाएंगे।
ये है फ्रेंड दुरन दरवाजा फतेहपुर सीकरी। तो फाइनली हम आ चुके हैं दुरन दरवाजे पे जो कि फतेहपुर सीकरी में है। और अब चलते हैं इसके अंदर।